हेलो एवरीवन ये सेशन मैं इसलिए लेके आई हूं बेटा क्योंकि मुझे ये चीज़ महसूस हुआ कि एसएससी के बाजार में अगर खरीद फरोख्त हो रहा है तो क्यों हो रहा है पहले जब हमारे स्टूडेंट्स टॉपर होते थे पहले क्यों सी एसआई का पिछले साल टॉपर था बेटा तो वो आया मिठाई खिलाया धूम मचाया हमारे साथ हम तो उनके साथ सड़क में नाच लिए है, है ना और उसके बाद चला गया इसका मतलब है कि आप हमारे साथ खुशी शेयर करने आते थे लेकिन पिछले एक दो साल से हमने एक ही चीज पाया कि भाई अंडर द टेबल बहुत कुछ चल रहा है क्यों चल रहा है नहीं पता फिर एक वॉर आया कि भाई हम अच्छा हम अच्छा हम अच्छा हम अच्छा बेटा कैंपस में और केडी लाइफ में केडी कैंपस और केड़ी लाइफ में आपको मैं एक चीज बता दूं मैं अपने टीचर्स के अमंग और अपने स्टाफ के बीच में फेमस नहीं हूं क्यों फेमस नहीं हूं वो मैं बताती हूं बेटा प्यार अलग जगह है और जहां तक बच्चों का सवाल है बच्चों को क्वालिटी के मामले में मैं आपको फ्रेंकली बताती हूं जब भी मैंने एडवर्टीजमेंट दिया किसी टीचर का मैंने लिख दिया है फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप एक्सपीरियंस चाहते हो एक बात मुझे बताइए सब लोग एक्सपीरियंस पैदा थोड़ी होते हैं मेरा एक ही चीज कहना है केड़ी कैंपस और केड़ी लाइफ के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक्सपीरियंस पढ़ाएगा अगर आपको हाथ साफ करना है किसी और प्लेटफॉर्म पे साफ करके आइए यहाँ पे तीन लेयर पे हम क्वालिटी एंड कंटेंट सब चेक कर रहे हैं फर्स्ट लेवल में टीचर्स बनाते हैं उसके बाद सेकेंड लेवल पे उनका पूरा कंप्लीट प्रूफ रीडिंग हमारे जो कंटेंट्स प्रोवाइडर है वो करते हैं और तीसरे लेवल पे हमारे कम से कम सात ऐसे स्टाफ बैठे हैं जिनका कोई काम नहीं है वो सिर्फ दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो पढ़ रहे होते हैं <coughs> समझ में आया वो दूसरे प्लेटफॉर्म के मैथ्स के टीचर से या रीजनिंग के टीचर से पढ़ रहे होते हैं और अपने टीचर के कॉन्टेंट से और अपने टीचर के जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं और उससे कंपेयर करने के बाद वो क्वेश्चन ऐड करते हैं कि सर ये टाइप है जो आपने छोड़ा है उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया गया हमारे टीचर्स हमेशा एक प्रेशर में भी रहते हैं कि भाई हमें देना है बेस्ट देना है लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर क्वालिटी एंड कॉन्टेंट्स देना है तो बेटा टीचर्स को अगर अच्छा देना है और इस तीन लेवल तीन लेयर के अगर हमें चेकिंग करानी है तो बेटा उन सात स्टाफ का भी सैलरी देना पड़ता है हमें उन कंटेंट्स रीडर को भी सैलरी देना पड़ता है जो कंटेंट्स प्रोवाइडर है और उसके बाद टीचर भी अच्छा खासा पैसा लेके जाते हैं लेकिन अगर उन्हें आपको लगता है कि नहीं मैम फीस ले लो होनी चाहिए फीस लो होनी चाहिए तो मैंने अपने कुछ टीचर्स को चुनिंदा टीचर्स से बात की और सबसे पहले जो हमारे टीचर्स है बिल्कुल एकदम पूरी तरह से तैयार हो गए कि मैम जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे और आपको मैं बता दूं सबसे पहले पुष्पेंद्र सर ने इस बात के लिए एग्री किए और वो अपना पूरा कंप्लीट इस बार कोर्स जो उनका ट्रिपल नाइन का था वो फाइव डबल नाइन में लेके आ गए आपको मैं बता दूं एक चीज पुष्पेंद्र सर मेरे साथ 2015 से जुड़े हैं जिस समय से केडी कैंपस खुला है उसके पहले वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे थे जिनके साथ हमने जिन प्लेटफॉर्म के टीचर्स को पूरा मर्ज कर लिया था बेटा यहां पे हम यूट्यूबर्स से नहीं पढ़वा रहे हैं जो रोज एक मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं रोज एक बनियान पहन के डालेंगे कि देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंचे बेटा अगर मैं अपनी कहानी सुनाने लगूं अपने स्ट्रगल की कहानी तो शायद आप बैठे बैठे रो दोगे क्योंकि मेरा स्ट्रगल इतना घटिया लेवल का स्ट्रगल रहा है कि हम बिल्कुल नीचे से ऊपर पहुंचे और ऊपर से फिर नीचे गिरे घर में धोखा खाएं फिर नीचे से फिर हमने के डी कैंपस दो हजार पंद्रह में लेकर चली हूं मैं तो बेटा हम यहां पे आपको इमोशनल फूल बना के अपना कोर्स नहीं बेचना चाहते हैं इसीलिए मैं सिर्फ एक ही चीज का हूं कि बेटा इमोशनल फूल बनना बंद बन करिए मैथ्स के टीचर से पढ़ना है तो उन टीचर से पढ़िए जो सालों साल एक्सपीरियंस्ड है बेटा आप बहुत इनोसेंट बच्चे हो अगर आप यूपीएससी के मार्केट में आइएगा ना यूपीएससी में नए टीचर्स चल नहीं पाते क्योंकि पुराने टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे हैं उनका वर्चस्व है सबसे पहले यूट्यूबर से पढ़ना बंद करिए आप देख लीजिए मैथ स्पेशल इनका लेके आ गए हैं हम लोग सिर्फ फाइव डबल नाइन पे और अब आप ये नहीं कह सकते कि मैम फीस ज्यादा है पहली चीज पहले अभी बेटा जो पटाखा है ना उसका टिप पे ही आग लगा रही हूं मैं अभी कुछ नहीं है अभी कुछ भी नहीं है रुको फिर हमने बात की मोहित पात्रा सर से मोस्ट विलिंग थे ये कोई इश्यू नहीं ये भी अपना फाइव डबल नाइन में लेके आ गए और इस बार जो मेरे साथ फोर्टी नंबर बैच में है टीचर्स वो यही दोनों टीचर्स है और जब इन लोगों ने अपना फीस कम कर दिया तो भाई जीएस वाले टीचर्स सारे कह दिए कि भाई हम को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो आप कहेंगे बेटा बहुत सारे बच्चे यहां कहते थे कि मैम जीएस तो 200 में पढ़ा रहे बेटा जीएस 200 में वो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं वो लोग 200 पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे दो सौ में पर सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे आठ सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक तो तीन साइंस में हो गया ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी और उसके बाद स्टैटिक और उसके बाद और भी है जो रेगुलर बेसिस पे करेंट होता है बेटा इतना सब्जेक्ट अगर आठ सब्जेक्ट हम मान के चले तो ए टू जिक्सटीन सिक्सटीन हंड्रेड फीस होता जो ये फाइव डबल नाइन में है याद रखिएगा मैथ्स पुष्पेंदर सर विथ कलर्ड पीडीएफ एंड सेकेंडली बेटा मैंने क्या कहा हमारे सात स्टाफ बैठे हुए हैं सात लोगों को देखने के लिए तीन चार तो शायद आप लोग ही नाम गिना दोगे बाकी तीन चार जो आप नहीं जानते हो और वो भी अच्छा पढ़ाते हैं तो सात टीचर्स के कंटेंट्स देखकर वो हमारे टीचर जिनका भी बैच आने वाला होता है उनको बता देते हैं सर आप ये ये क्वेश्चन स्किप कर दिए हुए इनको ऐड करिए यानी कि अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो कलर्ड पीडीएफ होगा उसके साथ मैथ्स कलर्ड पीडीएफ के साथ मोहित क्वात्रा और बेटा जीएस में हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी जोग्राफी एंड साइंस प्लस स्टैटिक के और ये सारा कंप्लीट बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के आपके तीन सब्जेक्ट हो गए ये आठ सब्जेक्ट के लोग सोलह सौ सो रुपया लेंगे लेकिन हम जो ले रहे हैं यहां पे सिर्फ फाइव डबल नाइन और बेटा इनके कारण ये जो इन लोगों ने कम किया है उसके कारण मैंने अपनी फीस वन थाउजेंड कम किया पूरा केडी लाइफ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है है मैंने अपनी फीस जो है तीन हजार से सीधा हजार किया है और यह पूरा मिलाकर जो हम लोगों का पूरा कॉम्बो बैच है वो थ्री फोर डबल नाइन हो गया हम तीन लेवल पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बेटा तीन लेवल पे इंग्लिश पढ़ा रही हूं मैं एक तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो गोल्डन रूल्स बाय नीतू तो सिंह पे जुड़ जाइए हम उसकी क्लास लेते हैं मंडे टू सैटरडे और उसमें पूरा कंप्लीट में आपको बिल्कुल निचोड़ पढ़ा के तीन महीने में तैयार कर दूंगी पहली चीज दूसरा सेकेंड बेटा आप याद रखिएगा वॉल्यूम वन पूरा 500 पेज की बुक है वो हम ट्रिपल नाइन में पढ़ा के वीओडी दे रहे हैं आपको यानी कि सिर्फ एक हजार से नीचे में आप चाहे तो वॉल्यूम वन ले सकते हो और अगर कहोगे कि भारत का कोई भी एग्जाम हो चाहे टीजीटी हो डी ट्रिपल एस बी हो या फिर आप कहोगे कि सीडीएस हो एनडीए हो सी जी एल सी एच एस एल सी पी ओ एम टी एस स्टेनो जी डी जितने तरह के एग्जाम भारत वर्ष में हो सकते हैं सब की तैयारी एक ही बार करके खत्म करनी है बेटा मेरा फी बिल्कुल कभी भी इसके नीचे जा नहीं सकता क्योंकि हमें आठ महीने लग जाते हैं इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कराने में याद रखना इसके साथ अगर आप मैथ्स रीजनिंग और जीएस मतलब पूरा कॉम्बो ले लोगे बेटा पहले हमारी फी फाइव फोर डबल नाइन थी इस बार से थ्री फोर डबल नाइन है आप देख सकते हो सीधा टू थाउजेंड का कमी हुआ है अगर आप खाली इंग्लिश ले चुके हो बाकी तीन लेना चाहते हो बेटा उसका भी एक कॉम्बो का अरेंजमेंट होने वाला है उसका भी अलग से कॉम्बो का अरेंजमेंट होगा वो अलग चीज है याद रखिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप फी कंपेयर करिएगा बाकी से तो बेटा सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं जो इंग्लिश पढ़ा रही हूं पिछले 20 सालों से तो मैं सिर्फ यहां पढ़ा रही हूं उसके पहले भी मैं पढ़ा रही थी इसीलिए आप यहां का कंपैरिजन कहीं और से बिल्कुल नहीं कर सकते हो क्योंकि जो क्वालिटी एंड कंटेंट्स हम दे रहे हैं वो क्वालिटी एंड कंटेंट्स और वो एक्सपीरियंस दूसरे टीचर्स नहीं दे सकते हां अगर आपके पास पैसा नहीं है बिल्कुल गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में आओ चुपचाप से वहां पढ़ो कोई जरूरत नहीं है वो कहीं भी जाने का बेटा ये पूरा कॉम्बो है थ्री फोर डबल नाइन का अब मुझे बताओ कि फीस के मामले में अगर आप बात करोगे तो बेटा इससे बेहतर और मैं आपको ऑफर नहीं दे सकती हूं क्योंकि जीएस मात्र फाइव डबल नाइन में लेकिन बेटा ये तो अभी कुछ नहीं है इसके बाद अगर आप यूपी पुलिस की बात करोगे जितने लोग यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल की बात कर रहे हो बेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये फीस नहीं होगा फोर डबल नाइन का किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये फीस नहीं होगा एकदम लोएस्ट फी जो हो सकता है वो भी किसका लाइव बैच का बेटा वीओडी का और बेटा ये हमेशा नहीं हो सकता ये हमेशा नहीं हो सकता इसीलिए ये हम बता देते हैं आपको फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स हम वैल्य रख सकते हैं और याद रखना अगर ये ऑफर जल्दी बंद हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके पास अभी ऑफर है इस महीना है अप्रैल में आराम से ले लीजिए ड्रीम पोस्ट बेटा ट्रिपल नाइन में 500 पेज का बुक कोई ख़त्म करा रहा है और अगर मैं ये 520 पेज प्लस वो कैबलरी टेस्ट सेंटेंस अरेंजमेंट फिलिंग द ब्लैंक सब कुछ करा रही हूं तो बेटा प्लीज इसके लिए आप मुझे कुछ और मत कहिए और अगर फीस नहीं दे सकते हो तो मत दो आप गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में पढ़ लो इसी चैनल पे आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है आपकी मर्जी फीस देना है दो नहीं देना है मत दो अब आती हूं मैं जो ये बेटा मैं आपको बता रही हूं कुछ भी नहीं है जो अभी बता रही हूं इसके बाद अगर आप इस सेशन को शेयर करोगे तो कुछ है जो मैं बहुत बड़ा धमाका करने जा रही हूं इसीलिए आपको सजेस्ट करूँगी आप जल्दी से इस सेशन को शेयर कर लो बेटा यूपी पुलिस एंड बैच लोग वीओडी दे रहे हैं में मैं आपको लाइव बैच दे रही हूं पूरा फाइव हंड्रेड में टीचर्स आपको अपडेटेड कॉन्टेंट्स पढ़ाएंगे और आओ दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का पूरा कंप्लीट कोर्स हम 500 में दे रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो सबकी शक्ल सारे एक्सपर्ट्स है बेटा कोई भी ऐसा वैसा टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं यूपी पुलिस में हम किसी ऐसे उठाए गए टीचर को लेके नहीं आ गए हैं जिनको आप जानते तक नहीं है बेटा पुष्पेंद्र सर है मोहित क्वात्रा है और सबसे पहले जो जीएस के धुरंधर है जो यूपी के बैचेस में जाने जाते हैं वो है रंजीत यादव सर और हिंदी में जो सालों से हमारी पढ़ाई पढ़ा रही है दीपिका मैन आप देख सकते हो सबको उसके बाद बता दूं आपको दिल्ली पुलिस का जो टारगेट बैच है बेटा उसमें आप देख सकते हो कोई इधर उधर के टीचर्स लेके नहीं आ रही हूं मैं राणा सर को लेके आई हूं पुष्पेंद्र सर यूपी पुलिस में है राणा सर दिल्ली पुलिस में वही मोहित क्वात्रा वही जीएस की टीम जो आपको मुखर्जी नगर में पढ़ाती है इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको यहां पे कोई फीस ऐसा ले रहे हैं कि चलो कोई भी फीस ले लो और किसी को भी बिठा दो चलिए बेटा हमारे टीचर्स मुखर्जी नगर में नंबर वन पे हैं यूट्यूबर नहीं है तुम लोग यूट्यूबर को जानते हो क्योंकि तुम लोग यूट्यूब में देखते हो ठीक है ना बेसिकली क्या है ना जब आदमी कुएं में होता है तो वो कुएं का मेढक बन जाता है बेटा बाहर निकलो जहां पर आके टॉपर्स पढ़ के जाते हैं अब वो देखो कि कौन पढ़ के जा रहे हैं बेटा ये सब आपको केड़ी लाइव ऐप पे मिलेंगे आप एक बार जाओ ना केडी लाइव ऐप को डाउनलोड तो करो री लाइव ऐप को डाउनलोड करो नो गेसेस बेटा मैंने सोचा मैंने सोचा नहीं मैंने एक चीज पाया है बेटा और अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि जब सच होता है ना सच का जवाब नहीं दिया जा सकता और एक चीज और मैंने माफ किया है कि जब आप खरीदने पे आ जाते हो और कोई बिकने पर आ जाता है तो जो बीच में बोलता है वो भी सबसे खराब होता है लेकिन मेरा एक ही चीज कहना था क्यों टॉपर को क्यों खरीदा अगर आपको गिफ्ट देना था तो अनाउंस कर देते जैसे किसी एक ने और ने गिफ्ट अनाउंस किया था कि हाँ हम सो एंड सो कार देंगे तो अनाउंस कर दिया था कोई बात नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा कि ठीक है अनाउंस कर दिया आप आके गरजे भी कि ऐसे किया वैसे किया ये हुआ वो हुआ आप उनको करप्ट बना रहे हो बेटा करप्शन फैलता है अंडर द टेबल करप्शन ओवर द टेबल नहीं फैलता और मैंने यह भी मांग किया कि भाई करप्शन इसलिए हुआ क्योंकि देने वाला भी अंडर द टेबल देने को तैयार था भाई आके बुलाते कि ठीक है हाँ आइए मेरा स्टूडेंट है मैं उसे सम्मान करना चाहता हूं कौन रोक लेता क्या हम रोक लेते नहीं रोक सकता है कोई बेटा अगर कोई किसी को इनाम देना चाहो क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि फर्स्ट रैंक लाओ तो मैं घर देंगे ना मैं फर्स्ट रैंक लाई ना मुझे घड़ी मिला और आज भी ये हाल है कि मेरे पास राडो का घड़ी है लेकिन जहां तहां मैं छोड़ देती हूं क्योंकि आदत ही नहीं बनी घड़ी पहनने की और ही नहीं थी माने दिया ही नहीं क्योंकि उनका कहना था फर्स्ट रैंक लाओगी तो घड़ी देंगे उन्होंने ना घड़ी ना मैं फर्स्ट रैंक लाई ना घड़ी दिया उन्होंने तो इसीलिए होता क्या है ना कि अगर उन्होंने इनाम दे दिया होता कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है ये इनाम है बेटा याद रखिएगा एक चीज अच्छे से इनाम सिर्फ अपने बेटे को दिया जाता है हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा वो फलाना जो हमारा पड़ोसी है ना उसका बेटा अगर फर्स्ट रैंक लाएगा तो हम उसको इनाम देंगे नहीं इनाम सिर्फ अपने बेटे को दिया जा सकता है यानी कि सिर्फ अपने स्टूडेंट को किसी और के किस स्टूडेंट को इनाम देने का मतलब होता है खरीदना मैं यह मानती हूं कि आप किसी और के बच्चे को इनाम दे रहे हो तो इनाम नहीं दे रहे हो वो उसके बिकने की कीमत दे रहे हो अगर वो मैथ संदीप सर से पढ़ा था तो वहीं का स्टूडेंट था फिर उसको खरीद के अपना स्टूडेंट बनाने की जरूरत नहीं थी इतना इसलिए मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि मैं अभी इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने सबका फीस कम किया है सिर्फ इसलिए कम किया है कि अगर आप याद रखिएगा हम लोग जो बैच यहां देंगे आपको वो बैच रहेगा बिल्कुल कम कीमत पर जो बाकी प्लेटफॉर्म पे जितने में आप ले रहे हो फुल कोर्स यहां पर फुल कोर्स उससे ज्यादा नहीं है इनफैक्ट उससे उनमें से कई से कम है और अगर आप केड़ी कैंपस या केड़ी लाइव के स्टूडेंट हो बेटा केड़ी कैंपस या केड़ी लाइव के स्टूडेंट हो फिर से समझ लो अगर आप सिर्फ और सिर्फ केडी कैंपस या लाइफ के स्टूडेंट हो तो बेटा अंडर द टेबल किसी से कोई भी गिफ्ट लेने की जरूरत आपको आज के बाद नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको गिफ्ट दूंगी मैं ले जाओ ले जाओ और मैं आपको गिफ्ट देने के लिए तैयार हूं याद रखिएगा बेटा कुछ लोग कह रहे हैं हम आपको कार देंगे मैं एक चीज जानती हूं मेरे पास भी कार है मेरे पास पोर्स है मेरे पास लैंड क्रीजर है लेकिन लैंड क्रूजर पर हमारा जो खर्च होता है ना उस पर एक छोटी कार भी आ सकती है इतना खर्चा उसके सर्विसिंग में इतना खर्च है जब आप कम उम्र के हो जब आपके पास एक घर तक नहीं है जब आपके पास आपके बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं है जब आपके जो गांव में झोपड़ा है ना उसका मकान बनाने को पैसे नहीं है तब आप उसके सामने जाके कार नहीं खड़ी करते आपको उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए नकद चाहिए और याद रखिएगा इसका पूरा का पूरा टैक्स पेड मनी होगा इट विल बी ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट का मतलब है कि वाइट मनी होगा इट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम माई साइड इसीलिए बहुत सारे लोग हैं ये कहेंगे कि भाई मैम ऐसा क्यों आप क्यों कर रहे हो बेटा बात यह है ना अब ये खरीद फरोख्त तो बंद होनी चाहिए और ये पंद्रह लाख का जो स्वैग चल रहा था ना कि तो पंद्रह लाख पंद्रह लाख मैंने कहा चलो मैं पंद्रह लाख ऐसे ही दे दूंगा बेटा तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकती पहले ध्यान से सुनो अभी जो बातें चल रही ध्यान से सुनना पंद्रह लाख का जो स्वैग चल रहा था बेटा पंद्रह लाख सिर्फ एक को नहीं राइट फ्रॉम फर्स्ट टू टेंथ रैंक देख लो एक से लेकर टेंथ रैंक तक मैं वन टू टेंथ रैंक तक पंद्रह लाख दूंगी समझ में आया बेटा अभी तो शुरुआत है अभी बैठिए आराम से देखिए ठीक है अभी आराम से देखते जाओ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार फिफ्टीन लाख सिर्फ एक को मिला था तो इतना बवाल मच गया यहां तो दस को मिलेगा और दस को मिलेगा बेटा बैंक में मिलेगा और मैं टैक्स पे करके दूंगी ठीक है वो सब नहीं अंडर द टेबल पंद्रह लाख कैश ले जाओ बेटा वो सब जो चीजें हैं ना आप जाने वाले हो टैक्स डिपार्टमेंट में <Bitte: h Acres> और टैक्स चोरी करके अच्छी बात नहीं है right? राइट किसे मिलेगा रैंक वन से लेकर टेन तक को बेटा अभी मैं आपको जो बता रही हूं थोड़ा सा रुको थोड़ा सा रुको ये फुल कोर्स वाले को मिलेगा अब आओ देख लो मैंने पूरा साफ साफ लिख दिया नीचे इसलिए मत कहना कि मैम कुछ भी हिडन है ओनली फॉर द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन फुल कोर्स अगर आप फुल कोर्स में एनरोल्ड हो तो एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ खेडी कैंपस एंड खेरी लाइफ बस अब कुछ लोग कहोगे हो गया बस सही था ना बेटा अभी कहाँ हो गया अभी कहाँ हो गया यू आर माई स्टूडेंट मैंने कह दिया मेरी माँ ने मुझे कहा था घर ही देंगे अगर फर्स्ट आओगी तो बेटा पड़ोसी की बेटी को नहीं कहा था मुझे कहा था ठीक है अगर आप रैंक इलेवेंथ टू ट्वेंटी रैंक तक रहेगा आपको स्ट्रेट फाइव लाख रुपीज इन योर अकाउंट फाइव लाख रुपीज इन योर अकाउंट वशरते मेरा बच्चा होगा बेटा मैं पड़ोसी के बच्चों को नहीं दूंगी है ना पड़ोसी का बच्चा मेरा बच्चा नहीं इसलिए मेरा बच्चा है <coughs> तब आपको मिलेगा ठीक है क्लियर नहीं बेटा इंग्लिश का कोर्स पहले साढ़े तीन हजार था चलिए क्लियर समझ में आया क्या कहा मैंने ये याद रखना आगे के लिए है यानी कि 2023 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए अब आओ क्या इसमें क्या प्रशांत <coughs> याद रखना बेटा फुल कोर्स का हम लोगों ने रेट बहुत कम कर दिया सिर्फ इसीलिए कि आप अफोर्ड कर सको वन से लेकर टेंथ रैंक तक फिफ्टीन रूपीज चेक आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा सीधा ठीक है कोई कैश नहीं कोई अंडर द टेबल नहीं वह शर्त वो मेरा बेटा हो मतलब समझ में आ गया यानी मेरा स्टूडेंट सेकेंडली अगर आप इलेवेंथ से ट्वेंटी रैंक वाले हो तो बेटा आपको फाइव लाख रुपए मिलेगा याद है समझ में आ गया अब आ जाओ ऐसा थोड़ी है यार खाली शादी तो मैं करवाऊंगी <coughs> आपको तो बताया रिश्ता मिलेगा डॉट कॉम में आपका एकदम फ्री में मैं पूरा कंप्लीट बायोडेटा लोड कर दूंगी उसका तो टेंशन मत लो ठीक है नेक्स्ट आओ नेक्स्ट आओ ट्वेंटी वन से लेकर थर्टीएथ रैंक तक को कुछ लोग रैंक वन को देने वाले थे कुछ कह रहे थे कि हम दस को देंगे बेटा दस को ही देंगे तो फिर हम क्या करेंगे चलिए हम ट्वेंटी फर्स्ट रैंक से लेके थर्टी रैंक तक जो आएगा फोर लैक्स सिर्फ उनके लिए जो खेडी कैंपस के स्टूडेंट्स हैं ध्यान दे दो नीचे हमने विनिंग प्राइस का हमने रूल रख दिया अगर आप ट्वेंटी फर्स्ट रैंक से लेकर 30th रैंक वाले हो केड़ी कैंपस या के स्टूडेंट यानी मेरा बच्चा हो तो आपको स्ट्रेट इन योर अकाउंट बेटा दिस अ गिफ्ट मैं रिश्वत नहीं दूंगी ठीक है अंडर द टेबल जो चल रहा है ये चीज बंद होनी चाहिए अब लेके आ जाए उनको जो लेके आना है मुझे पता है नकलची बंदर तो है ही वो बैठ के देख भी रहे होंगे चलो याद रखिएगा <coughs> बेटा कोई मक्खी मच्छर है जो परेशान कर रहा है यहां पे थर्टी वन से फोर्टी एथ रैंक तक इकतीस रैंक से चालीस रैंक तक भी ले आओगे ना बेटा तो मुझे पता है ये बहुत बड़ी चीज है और उसमें भी मैं आपको तीन लाख ,00 रुपया दूंगी चलिए बेटा कोर्स साढ़े तीन हजार का कंपेयर कर लो सब में सारे प्लेटफॉर्म पे साढ़े तीन हजार का कोर्स वो भी ऐसे टीचर से जो सालों से पढ़ा रहे बेटा यूट्यूबर नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूबर्स नहीं है जो आके थोड़ा डांस कर ले थोड़ा रो ले थोड़ा मोटिवेशन कर ले थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बता दे टेन मिनट स्ट्रैटेजी ट्वेंटी मिनट स्ट्रेटजी एक घंटा पहले का स्ट्रैटेजी ये सब नहीं बताते हैं याद रखना ये भी देख लो और इस लेवल का कोई आपको नहीं देगा थर्टी वन से लेके फोर्टी रैंक तक को भी तीन लाख चलिए देखते जाइए देखते जाइए आ जाओ फोर्टी वन से फिफ्टी फोर्टी वन से फिफ्टी फोर्टी वन से फिफ्टी तक को बेटा दो लाख रुपये अगेन फिफ्टी तक कोई नहीं देता ठीक है और आइए लास्ट फिफ्टी वन से लेके हंड्रेड रैंक तक को भी एक लाख रुपये बेटा किसी ने कहा था हम टॉपर को एक लाख देंगे किसी ने कहा हम टॉपर को थार देंगे किसी ने कहा हम टॉप के दस को थार देंगे किसी ने भी नहीं कहा कि हम एक से लेकर सौ रैंक तक वाले को भी कुछ देंगे राइट समझ में आ गया आपका रैंक वन से लेकर टेन तक है फिफ्टीन फिफ्टीन का अपना स्वैक था यार पहले हमने सोचा तो कुछ ज्यादा करेंगे फिर मैंने कहा नहीं पंद्रह जो है ना वो गजब का गुल खिलाए हुए उसके ऊपर कभी मजा नहीं उसके नीचे भी मजा नहीं वो पंद्रह अलग ही अकड़ में है उसका अलग स्वैक था तो हमने पंद्रह कर दिया ग्यारह से बीस का बताओ कितना ग्यारह से बीस रैंक तक का बताओ पांच है ना इक्कीस से तीस इक्कीस से तीस चार है ना हा? अरे यार तुम लोग भूल जाते हो क्योंकि प्राइस मनी ही इतना ज्यादा हो जाता है कि भूल जा रहे हो तुम लोग यहां भी बैठे बैठे भूल रहे हो भाई मैंने बनवाया लेकिन मुझे तो याद है तुम लोग तो बता दो क्या बताया मैंने <coughs> एक से दस पंद्रह ठीक है ग्यारह से बीस पांच इक्कीस रैंक से लेकर तीस रैंक तक चार राइट इक्तीस से चालीस तीन तुम लोग भी याद कर लो कल पूछेंगे बच्चे तुमसे इकतालीस से पचास दो और इक्यावन से सौ एक लाख सॉरी एवरी तुम लोगों को भी मैंने नहीं बताया था हमारे स्टाफ भी यहां बैठ कर देख रही है क्या <coughs> उनको भी मैंने नहीं बताया था सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि कुछ अगर देंगे तो अलग जलवा होना चाहिए राइट है ना इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा सा स्वागत नहीं करोगे हमारा थोड़ा वेट करो बेटा सिर्फ ये नहीं है याद रखिएगा सिर्फ ये नहीं है। और भी है जो हम करने वाले हैं और याद रखिएगा साढ़े तीन हजार में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए सब जगह तीन से साढ़े तीन हजार का ही फुल कोर्स दे रहे हैं हम भी तीन से साढ़े तीन हजार के बीच में ही रखे हैं फुल कोर्स और बेटा एक चीज और याद रखना ये साढ़े तीन हजार में जो फुल कोर्स है उसमें आपको मैथ्स बढ़िया रीजनिंग जीएस इंग्लिश स्टैटिक जीके ये सब कुछ मिलेगा इसके अलावा सबका कलर्ड पीडीएफ मिलेगा एनोटेशन मिलेगा और पूरा कंप्लीट हम लोग सब सेशन कराते हैं उसके पीछे क्विज भी चलता है ठीक है चलिए एक और धमाका है चलिए सोचिए क्या हो सकता है ये जो हमने अनाउंसमेंट किया है बेटा ध्यान रखना ये जो अनाउंसमेंट है ये सी के लिए है और सीपीओ के लिए है ये जो अनाउंसमेंट हमने किया है ये सीजीएल और सीपीओ के लिए है बेटा इसके बाद जो आप कहोगे सीएचएसएल का क्या मैम एमटीएस का क्या स्टेनो का क्या वो सब हम बाद में लेके आएंगे याद रखिएगा जो मैंने आपको दिया है अभी ये जो प्राइस ऑफर हुआ है मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ आपको कि ये सारा जो प्राइस है ये आपका प्राइस अभी जो मैंने किया है सीजीएल एंड सीपीओ एग्जाम के लिए जो ग्रेजुएशन बेस्ड है मैं ये कह रही हूं बेटा ये ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम के लिए जो प्राइस है वो सीजीएल एंड सीपीओ के लिए है ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम के लिए ठीक है आगे चले अब आप सोचो और क्या हो सकता है सोचिए बेटा हम बहुत बढ़िया कोर्स बहुत बढ़िया क्वालिटी एंड बहुत बढ़िया कंटेंट्स मैंने दे रखा है किसमें दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में बढ़िया टीचर है बेटा बात एक चीज में बता दो आप सब छोड़ो आप एक से लेकर जहां तक का सिलेक्शन है बस खाली सिलेक्शन का आप अपना ले आना ऑफर लेटर और मुझसे एक लाख ले जाना वह आप मेरे स्टूडेंट हो तो अगर आप केड़ी कैंपस और केड़ी लाइफ के स्टूडेंट हो लिख दिया है मैंने एनरोल्ड इन फुल कोर्स ऑफ केड़ी कैंपस एंड केड़ी लाइफ के स्टूडेंट हो तो आप मेरे से जो भी नंबर में हो आप, आप फर्स्ट रैंक वाले हो या लास्ट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक ऐसा कुछ दिखता भी नहीं है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में आप बस खाली ये प्रूव कर देना कि आप हमारे स्टूडेंट हो और ये प्रूव करना है आपको ऑफर लेटर के साथ कि आपका सिलेक्शन हो गया है उसके बाद आइए एंड गो एंड टेक वन लाख चेक इन योर अकाउंट और चेक इन योर हैंड है ना समझे चलिए मैं और बता दूं बेटा हमारे यहां पे अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है एनडीए के लिए भी बहुत बढ़िया ऑफर देने वाले हैं एनडीए का पहले हमारे यहां पे ऑफलाइन का बैच बनेगा और वो बैच कब आ रहा है जरा दिखाना मुझे सत्रह तारीख को, को आ रहा है दो से पांच एनडीए का बैच सत्रह तारीख को दो से पांच आने वाला है बेटा अच्छे से याद रखना हम आपको सत्रह तारीख को जो बैच लेके आ रहे हैं याद रखिएगा एनडीए का बैच रिमेंबर वन थिंग बेटा हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके लिए भी हम लोग बहुत बढ़िया ऑफर लेके आएंगे सत्रह अप्रैल को एनडीए का बैच आ रहा है एक हमारा ऑफलाइन मेरा जो फाउंडेशन बैच है मेरा फाउंडेशन बैच ये आ रहा है एस एस सी एंड ऑल अदर कोर्सेस ये आ रहा है बेटा बीस तारीख को ट्वेंटी अप्रैल को ये ट्वेंटीएथ अप्रैल को आएगा ठीक है बीस अप्रैल को आएगा एक मिनट रुको मैं डार्क पेन से लिख दूं क्योंकि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ट्वेंटी अप्रैल को आएगा ये मुखर्जी नगर में है और हमारे साथ अगेन बेस्ट ऑफ द टीचर्स होंगे जो पढ़ाएंगे और हम बेटा एक बहुत बढ़िया ऑफलाइन का एक गारंटी बैच लेके आने वाले हैं उसका अनाउंसमेंट प्रॉपर तरीके से कल करूंगी अपने गोल्डन रूल्स वाले बैच में वो भी एक कमाल का धमाका होने वाला है और मैं आपको बता दूं बेटा क्वालिटी एंड कंटेंट्स में मैं ये चैलेंज कर सकती हूं अगर हमसे पढ़ के किसी का नहीं हो रहा है तो कोई भी दुनिया का टीचर उसको पास नहीं करा सकता क्योंकि हम इतने नीचे से लेके इतना ऊपर तक ले जाते हैं कि एकदम कम से कम मेहनत में स्मार्ट वर्क के साथ आपका सिलेक्शन हो जाए इसकी गारंटी देंगे इसलिए याद रखेगा इसके साथ सिर्फ मैं दो चीजें बता रही हूं 20 तारीख को दिल्ली आ जाओ अगर आपका पॉकेट एफोर्ड कर सकता आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन दूसरा 17 अप्रैल को इंडिया का बैच है बेटा जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं कभी भी ऑनलाइन मत पढ़ना क्योंकि ऑनलाइन में आपको वो चीजें नहीं अंदर डाली जाएगी जो एसएसबी में चेक होगा रिटर्न में पास करोगे एसएसबी में फेल होकर वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए इसीलिए एनडीए में बिल्कुल भी ऑनलाइन का भरोसा मत करना आज जो मैंने आपको बताया है इसके ऊपर अगर किसी का दम है तो रख ले प्राइस फिर मैं आ जाऊंगे इसलिए मैं समझाती हूं नकल नहीं करना कोई क्योंकि मैंने एक चस्मा कर लिया है तुम लोग कहां तक जा सकते हो कहां तक जा सकते हो मैंने समझ लिया मैं आज बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि ठीक है पहले इन लोग सबको जितने ऑफर्स देने हैं देने दो लेकिन याद रखना मेरा इंग्लिश का कंपैरिजन बेटा किसी से मत करिए आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए लोग 1200 1500 में पढ़ा रहे हैं ठीक है इंग्लिश का कोई भी 599 नहीं किया हुआ है अशोक कुमार अभिषेक इसलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि ये 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 जो जो गंद गंद मची 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 है 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 ना बेटा मैथ्स मैथ्स में में मची हुई 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 गंदा वो क्योंकि हर तीसरा बंदा मैथ्स पढ़ाने को तैयार हो जा रहा है बेटा जिसका क्वालिटी है ना जिसका लेवल है वो आज भी फीस कम नहीं किए हुए हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं अच्छा कमा रहे हैं और अच्छे तरीके से वो इस गंद से दूर है जो इन सब गंद में है ना वही अपने फीस को एक दूसरे से लड़ सड़ रहे क्योंकि क्यों क्योंकि कॉन्टेंट्स तो है नहीं मरना है सड़ना है गाली देना है एक दूसरे को वही करना है तो ये सारी गंद मैथ्स में मचे हुए हैं बेटा इंग्लिश में जो मेरा स्टूडेंट है ना वो भी किसी और प्लेटफॉर्म पे वो भी बारह सौ निन्यानवे में पढ़ा रहा है इसीलिए मैथ्स का कंपैरिजन इंग्लिश से ना करें इंग्लिश में इतनी गंद नहीं मची हुई है आज भी मैंने देख लिया है इंग्लिश में आज भी लोग बारह सौ पंद्रह सौ में पढ़ा रहे हैं ठीक है दो हज़ार में पढ़ा रहे हैं कोई भी मैथ्स uh, वाला गंदगी इंग्लिश में नहीं है ठीक है एनी वे इंग्लिश पढ़ाना बस की बात सबकी नहीं है ये तो मैं समझ सकती हूं चलिए एक से लेके हंड्रेड तक का रैंक होल्डर आइए बन के मेरे प्लेटफॉर्म से हो गिफ्ट ले जाइए मेरे प्लेटफॉर्म से हो तो यानी मेरा बेटा हो तो मैं किसी दूसरे के या पड़ोसी के बच्चे को गिफ्ट नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं जैसे मेरी माँ ने मुझे कहा था मैं तुम्हें घड़ी दूंगी अगर फर्स्ट आओगी तो उन्होंने पड़ोसी के बच्चे को नहीं कहा था कि मैं तुम्हें घड़ी दूंगी इसलिए बस मैं कह रही हूं अपनी बहन की शादी करो अच्छे से अपना घर बनाओ ठीक है ना अपने गांव में जो घर खराब हो रहा है वो बनाओ अपने फादर को दे दो कि हाँ ठीक है ये मेरे ब्लैक मनी नहीं है पापा इसको छुप के खर्च करने की जरूरत नहीं है ये कैश है कैश नहीं बेटा अच्छे से अपने अकाउंट में लो और प्रॉपर तरीके से खर्च करो क्योंकि आप अगर कमा रहे हो तो सरकार को भी दिखना चाहिए कि हां ये बच्चे ने जेन्यून कमाया है और जब मैं दे रही हूं तो मैं भी उस पर टैक्स भर के दूंगी आप लोगे तो आप भी उस पर थोड़ा सा गिफ्ट टैक्स हल्का सा लगता है वो भी भर के दोगे और खेडी कैंपस और खेडी लाइफ के जितने स्टूडेंट्स है अब आप गर्व से कह सकते हो क्योंकि हमारे बच्चे बहुत परेशान मैडम वो ऐसे चढ़ाते वैसे चढ़ाते मैंने कहा बेटा आप इंतजार करो ना थोड़ा सा वेट करो ना है ना ये सब चोचलेबाजी मैं नहीं करूंगी मैं जब फोड़ूंगी तो पटाखा नहीं धमाका करूंगी बेटा इस सेशन को आप सब जगह शेयर कर दीजिए और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है इस इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो ये नाइन ट्रिपल फाइव वन जीरो डबल एट डबल एट पर या आप सीधा सीधा केड़ी लाइव ऐप में जाओ स्ट्रेट अवे आप केड़ी लाइव ऐप में जाओ पहले तो प्ले स्टोर में जाओ केड़ी लाइव ऐप में जाओ और वहां पे जाके अपने मर्जी के अनुसार बैच परचेज कर लो ये जो ऑफर है फॉर कंप्लीट अप्रैल तो है इसलिए अप्रैल में आप इंतज़ार करिए कि अप्रैल के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा इसलिए अप्रैल के बाद तक इंतजार मत करिए ठीक है लीजिए और आराम से पढ़िए ठीक है और जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो बेटा गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में आके पढ़ लो आपका एग्जाम क्लियर करने तक का मैं इंतजाम कर दूंगी आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि आज इतना लंबा सेशन के बाद फिर पढ़ाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है मैं कल गोल्डन रूल्स के साथ कल से लेकर फिर सैटरडे तक रेगुलर आकर पढ़ाऊंगी आज तब तक इस सेशन को आप पूरी तरह से शेयर कर दो और बेटा एक चीज ध्यान रखना ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेशन आपका ये जो गंदगी था ना कि पंद्रह लाख अंडर द टेबल ले लो वो खत्म हो गया आप फर्स्ट रैंक नहीं वन से टेंथ रैंक तक हो पंद्रह लाख कहां लो अपने अकाउंट में लो ये गंदगी नहीं चलेगी आप इस फील्ड में मैं शुरू में आई थी और शुरू से ये फील्ड को बिल्कुल साफ और पाक रखा था कुछ लोगों ने बहुत गंदा कर दिया लेकिन फिर से मुझे लगा कि लालच तो बच्चों में रहेगा ही और लोगों में भी लालच रहेगा ही कि, कि किसी का भी बच्चा को खुद का बना के पैसे देकर खरीद लो अब कोई नहीं खरीद सकता एक दूसरे का बच्चा को अगर मेरा बेटा है तो मेरा पास ही रहेगा क्योंकि मैं उसके फ्यूचर का भी इंतजाम कर रही हूं और उसके लिए गिफ्ट का भी इंतजाम कर रही हूं थैंक यू सो मच इस सेशन को आप लोग लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है थैंक यू सो मच